पूरे हो चुके हैं। ट्रेगरलैंड में कोरोना विस्फोट से जूझ रहे लोग शहर शहर सड़क पर उतर आए हैं। शंघाई, वुहान, उर्मुखी, चिंगडू, ग्वांगझू जैसे शहरों में यूथ सड़क पर उतर रहा है। हर शहर से एक ही आवाज सुनाई दे रही है, जिनपिंग गद्दी छोड़ो। जिनपिंग और कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही अब नहीं चलेगी। शी जिनपिंग की फौज हालात को काबू करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों का गुस्सा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में एक्सपर्ट्स इस बात की आशंका भी जता रहे हैं कि लोगों की नाराजगी शी जिनपिंग की कुर्सी भी पलट सकती है। तानाशाही की हनक में जिनपिंग तीसरी बार राष्ट्रपति तो बन गए, लेकिन उनकी जीरो कोविड पॉलिसी ने चीन को तबाह कर दिया। वर्ल्ड बैंक ने 2022 में चीन की विकास दर का अनुमान 4.3% से घटाकर 2.7% कर दिया है। ये 5 दशक में चीन की सबसे कम ग्रोथ रेट है। बेरोजगारी दर 5.7% तक पहुंच गई है। 16 से 24 साल के नौजवानों में बेरोजगारी दर 17.1% हो गई है। खुदरा बिक्री में 5.9% की गिरावट आई है, जबकि रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश 19% घटा है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 2.2% कम हुआ है। वहीं अचल संपत्ति निवेश 5.3% तक धीमा हुआ है। आर्थिक मंदी और कारखानों के बंद होने से रेस्तरां जैसे छोटे व्यापार ठप हो गए। इससे लाखों लोग सड़क पर आ गए। चीन में बर्बादी के ये हालात एक दिन में नहीं बने, बल्कि अपनी हनक में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ऐसे कई फैसले लिए जिसने चीन को बर्बादी की कगार तक पहुंचा दिया। कोरोना जिस रफ्तार से बढ़ रहा है और साथ ही जिस तेजी से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, उसके बाद चीन की सड़कों पर भी संग्राम और घमासान देखने को मिल रहा है।